एक होता है जबरदस्ती जन्म होना, एक होता है अपनी इच्छा से जन्म लेना। निज इच्छा निर्मित तनु, तनु मतलब शरीर। जैसे जेल में तुम गए, कोई अपराध किया, सजा भुगतने के लिए तुमको 6 महीने का सजा, वो चीज अलग है, और घूमने के लिए जाओ वो चीज अलग है। ऐसे ही भगवान भगवत प्राप्त महापुरुषों का जन्म अपना इच्छा से होता है, और बाकी का जन्म प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो जो अपनी इच्छा से आते हैं वो उस आत्मा का अनुभव करके, परमात्मा ज्ञान का अनुभव करके, उनके दर्शन से, अमृत वचन से हजारों लाखों करोड़ों लोगों का स्वतः मंगल होने लगता है। हैदराबाद में माई आई, हैदराबाद में तुलसी की मालाएं होती है, 6-7-8 लेके आई, काजू का डब्बा, काजू बादाम छोटा डब्बा उसमें ना। बोले साईं जी छू दो जरा, छूट। मैं कहा इतनी सारी माला क्या करेगी, कितने हो घर में इतनी सारी माला पहनो। बोले मेरे तो है, दूसरे को भी है। मैं कहा बोले बहुत काम आती है। मैं कहा क्या काम आती है, इतनी इतनी मालाएं क्या करेगी। बोले स्वामी जी साल भर पहले आप आए थे, आपको मैं स्पर्श करवाई, फिर एक तो पहनी एक पड़ी थी। मेरी माँ की तबीयत खराब हुई, अस्पताल में एडमिट किया, फिर कोमा में चली गई। हिलाए तो पहचाने नहीं, मैं उसकी बेटी हूँ ये पहचानती नहीं थी, और बात नहीं करती थी, बस सोई है, नाक में वो लगी है टोटी, होता है ना खिलाने पिलाने की, नाक में लगी है इधर आईसीयू में इधर। डॉक्टर बोला कि अब कब चली जाए पता नहीं है। मैंने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, दवाई काम नहीं करे हो, कोमा में से कब बाहर आएगी, कब बेहोशी छूटेगी। तो बोले नहीं। मैंने कहा साई जी के हाथ से वो माला स्पर्श कराई थी, वो जरा पहना के तो देखूं क्या होता है। वो माला मैंने पहनाई शाम को 6 बजे, रात को आपका नाम ले रही थी, हे मेरे साईं, हे मेरे भगवान, हे मेरे गुरुदेव, नाम बचाओ। रात को 2:30 बजे मेरी माँ कोमा में से बाहर आ गई। मैं तो चमत्कार देख के हैरान हो गई। डॉक्टर, डॉक्टरों की दवाई सारी एक तरफ, आपकी स्पर्श की हुई माला एक तरफ, तो इसलिए ये 6-7 मालाएं भी काम आएगी, किसी को जीवन दान दे देगी। मैंने कहा मेरे को तो पता ही नहीं भाई। बोले साईं आप तो ऐसे ही झूठ बोलते हो, मजाक करते हो, आपको पता नहीं, हमको तो अनुभव है। मैंने कहा हमको पता नहीं, ये भी सच है, तेरे को अनुभव है ये भी सच है। कैसे, सूरज को पता नहीं उसके उगने से कितने लोगों का मंगल होता है, बोलो सही बात है कि नहीं। गंगा नदी को नहीं पता कि उसके प्रवाह से कितने लोगों के पाप धुलते हैं, कितने करोड़ों रुपए का अनाज पैदा होता है गंगा नदी से, कितनी नहरों से पानी जाता है। चंद्रमा को पता नहीं उसकी शीतल करने कितनी औषधियों को पुष्ट करती है। ऐसे संत महापुरुषों को भी ये नहीं पता कि उनकी वाणी से और दर्शन से कितना मंगल और कितना कल्याण होता है। बापूजी को ही नहीं मालूम, बोलो बापूजी को मालूम है क्या, नहीं मालूम। मैं पूछा, बोले हमको क्या पता है, लाखों लोग हैं करोड़ों लोग, लेकिन कितने लोग हैं वो आंकड़ा नहीं है, फिगर है क्या भाई, इतने लाख इतने करोड़ इतने ही, नहीं पता। सहज में जो लोग प्रसिद्धि के लिए चमत्कार दिखाते हैं ना, उनको उनके बुद्धि पर मेरे को दया आती है, जयराम जी की। चमत्कार करना ना पड़े, चमत्कार अपने आप घटित हो जाए, वो वास्तविक चमत्कार है। चमत्कार करने के बाद भी तुम्हारे भीतर अभिमान ना आए, किसी के मंगल के लिए, किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए, किसी के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तुम संकल्प करो, तुम मंत्र दो, तुम प्रसाद दो, तुम आशीर्वाद दो, और सहज में उसके जीवन में चमत्कार घटित होने लगे, और उसका तुम्हें अभिमान ना आए कि ये मैंने किया। यह है सिद्धि।
क्योंकि करण कराने वाला तो वो परमात्मा है, तुम परमात्मा के साथ एकाकार हो जाओ, तुम अपने अस्तित्व को परमात्मा से अलग मत करो। बिंदु सिंधु है, और अगर बिंदु अपने को बिंदु माने तो बिंदु का क्या अस्तित्व है, क्या ताकत है, वो बिंदु क्षुद्र है और जो सिंधु है वो विराट है। जब हम ध्यान करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ऐसा ना सोचो कि सर्वत्र वासुदेव है लेकिन मेरे से अलग है, तुम्हारे भीतर होकर वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है।